हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक रॉ मटेरियल मैनेजमेंट किसी भी इंडस्ट्री को जब सेटअप किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री को जब लगाया जाता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा क्या होगा ये सब चीज़ें बाद की होती हैं सबसे पहले रॉ मटीरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो रॉ मटीरियल कहाँ से आएगा कौन प्रोवाइड करेगा किस तरीके से उसे मैनेज करना है ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे जब उद्योग की स्थापना की जा रही हो तो सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है तथा उस कच्चे माल को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रबंध करना मैनेजमेंट करना भी आवश्यक हो जाता है चाहे कच्चा माल हमारे देश से लाओ या फिर हमें आयात करना पड़े सामान्यतः कच्चा माल स्रोत से आसानी से वे उचित कीमतों पर उपलब्ध हो जाता है लेकिन कुछ स्थितियों में कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता विशेषकर जब मार्केट में उसकी मांग ज़्यादा होती है जिन वस्तुओं के लिए कच्चा माल आसानी से नहीं मिल पाता है वे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है उद्योगों को ऐसे कच्चे माल जिनकी मांग अधिक हो आपूर्ति कम हो उस कच्चे माल को सरकार नियंत्रित रूप नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराती है ऐसे माल सरकारी डिपो द्वारा उपलब्ध कराए जाते, है। जाते हैं डिपो प्रत्येक जिला स्तर पर या औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जिससे उद्योगों की परिवहन लागत कम रहे अधिकतर राज्यों में कच्चे माल की व्यवस्था एन एस आई सी कराता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कराता है तथा कच्चे माल के आवंटन की व्यवस्था उद्योग विभाग करता है तो अभी हम देखेंगे मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है रॉ मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है मटेरियल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग सोर्सिंग परचेजिंग मूविंग स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल्स इन एन ऑप्टिमम मैनर सो एज टू प्रोवाइड अ प्री डिसाइड सर्विस टू द कस्टमर एट अ मिनिमम कॉस्ट इसको कहते हैं मटीरियल मैनेजमेंट द बेसिक यूनिट ऑफ रॉ मटीरियल मैनेजमेंट कैन बी सेट टू बी ऑल एक्टिविटीज एक्वायरिंग रॉ मटीरियल कैसे एक्वायर करना है फिर कैसे परचेज करना है उसके रिफाइनिंग उसका डेवलपिंग दैट गो इन टू डिलीवर अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ रॉ मेटीरियल एट अ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड प्राइस टू एंश्योर दैट द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म आर अचीव्ड वाइल ऑल्सो वर्किंग प्रोएक्टिवली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अश्योर दैट अवेलेबल रॉ मेटीरियल प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट्स विद इन द लिमिटेशन गिवन बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस तो छोटी सी बात यही है कि मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको अच्छे से प्लानिंग करना कैसे परचेज करना फिर उसको इंडस्ट्री तक डिलीवर करना ये सब ऑप्टिमम और मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए उसी को ही हम क्या कहते हैं रॉ मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं अब हम पढ़ेंगे अलॉटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील जो आयरन और स्टील होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट कराता है और क्या क्या, -क्या इसकी प्रोसेस होता है इस तरीके से भारत में के प्रारंभ से ही व इस्पात का निर्माण सरकारी उपक्रमों में ही होता रहा है इनकी मांग उत्पादन क्षमता से अधिक रही है वे उद्योग जिन्हें लोहा तथा इस्पात कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है लोहा एवं इस नियंत्रक आदेश 1956, फिफ्टी सिक्स द आयरन एंड स्टील कंट्रोल ऑर्डर सिक्स के तहत इंडस्ट्रीज को या फिर जो जिनको रिक्वायरमेंट होती है आयरन और स्टील की उस नियम के तहत उनको उपलब्ध कराया जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रिसेंटली डिसाइडेड दैट एस एस आई सी हुआ इन प्रोक्योरिंग आयरन एंड स्टील मटीरियल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स लाइक इस पात टू मीट द लोकल डिमांड्स विल बी एलोकेट मटीरियल विदाउट द बेनिफिट इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द स्टेट्स वेयर एस एस आई सीज आर नॉट फंक्शनिंग और इनएक्टिव एस एस आई सी यूनिट विल भी एलोकेटड आयरन एंड स्टील मटीरियल थ्रू एन एस आई सी एन एस आई सी प्रोवाइड कराता है वहाँ पे रॉ मटीरियल एन एस आई सी विल हाउर सबमिट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लिस्ट एन एस आई सी क्या करता है एक लिस्ट बनाता है जिन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को रॉ मटीरियल की स्टील और आयरन की जरूरत होती है तो वो, वो एक लिस्ट तैयार करता है हुम मटीरियल विल बी गिवेन सो दैट देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एस एस आई सीज नरेटेड देयर प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील टू एस एस आई सी यूनिट्स और इसी में एक प्रावधान भी होता है कि जिन स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम होती है रॉ uh, मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके एलोकेशन में तो वो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करते हैं कुछ मीटिंग्स और बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर एंड वेरियस डिसीजन टेकन टू मिटिकेट द प्रॉब्लम्स और कुछ डिसीजन लिए जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सो दैट दे small so that the small and tiny units are provided iron and steel material at the right time, right qual quantity and specifications. तो so, उन सब problems को mitigate किया जाता है और जो industries हैं उनको right time पे right quality और right specifications के साथ उन्हें raw material provide करा दिया जाता है और raw material provide का काम NSIC भी करता है अलॉटमेंट ऑफ कोल एंड कोक कोयले व कोक का उपयोग उद्योगों में भट्टी जलाने पदार्थ गलाने सीमेंट बनाने विद्युत शक्ति आदि को बनाने में किया जाता है कोयले का खनन देश के कुछ हिस्सों में होता है जैसे कि बिहार हो गया उड़ीसा हो गया मध्य प्रदेश हो गया इन्हीं कुछ जो राज्य हैं उनमें कोयले की जो अः खादान खुले हुए हैं या फिर यहाँ पे कोयला निकलता है लेकिन इनका उपयोग पूरे पूरे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन इन इसके रिक्वायरमेंट होती है तो कोयले व कोक का आवंटन सरकार द्वारा राज्य सरकार को किया जाता है जहाँ पर राज्य सरकार इसका आवंटन उद्योगों को कर देती है पिछले कुछ वर्षों में कोयले के विक्रय पर से नियंत्रण हटा लिया गया है लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को अभी भी नियंत्रित नियंत्रित तरीके से आवंटित किया जाता है जो लो क्वालिटी वाला कोयला होता है वो तो ऐसे ही अ, मतलब अलॉट कर दिया जाता है बट जो जो हाई क्वालिटी वाला कोयला होता है उसको अभी भी कंट्रोल तरीके से ही अलॉट किया जाता है ऐसे नहीं कि ज़्यादा दे दिया इस टाइप से कंट्रोलेबल तरीके से ही उसको अलॉट किया जाता है द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन एम डी सी एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आर आई एन एल है अलॉटेड वन कोक कोल माइन ईच बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कोल अ कोल मिनिस्ट्री स्टेटमेंट्स एट द रोहनी कोल माइन हैज़ बीन अलॉटेड टू नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर सेल ऑफ कोल एंड विल ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ कैपिटिव यूज ऑफ कोक कोल टू एन एम डी सी तो जो एलोकेशन के लिए जो जो कॉरपोरेशन डिसाइड किया था वो एन एम डी सी है एन एम डी सी अलॉट करता है कोल कोक इंडस्ट्रीज के लिए द प्रोक्योरमेंट ऑफ जो प्रोक्योरमेंट होता है मटेरियल्स का वो बल्क में ले लिया जाता है ऑर्डर के तहत एजेंसीज इशूड इन फेवर ऑफ़ द यूनिट्स द कॉरपोरेशन रेंडर्स असिस्ट बाय द मेकिंग पेमेंट फॉर अलॉटेड क्वांटिटी एंड डिलीवर ऑफ द मटेरियल ऑन ऑफ ऑफ शेल बेसिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिट्स जैसी उस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है उस उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक यूनिट के फेवर में एक ऑर्डर बनाया जाता है उसके तहत उन्हें रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल सोर्सेज इन केस ऑफ यूनिट फेस डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग रॉ मटेरियल इन बल्क जब बल्क में रॉ मटेरियल लिफ्ट करना थोड़ा कठिन होता है तो रॉ मटेरियल को लोकल सोर्सेज से ही कलेक्ट करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन फेरास्रैप फ्रॉम ऑर्डिनेंस डिट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू स्मॉल और जो राज्य में ऑर्डिनेंस डिपोर्ट बने होते हैं वहाँ से रॉ मेटीरियल को लेके जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो कई तरीके होते हैं जिनके थ्रू रॉ मटीरियल को अलॉट किया जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को अलाटमेंट ऑफ रॉ मेटीरियल बाय एन एस आई सी हमने पहले भी देखा स्टील एंड आयरन और जो कोक था उन सब का जो अलॉटमेंट हो रहा था वो एन के थ्रू भी हो रहा था तो एक एक हम एक व्यू देख लेते हैं कि एन आई सी सी एन किस तरीके से एक पार्टिसिपेट करके स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम उद्यमियों को प्रशिक्षित करने उनके उत्पादकों को, को विक्रय सुविधा उपलब्ध कराने पंजीयन लाभ आदि सहायता प्रदान करने का कार्य करता है राष्ट्रीय लघु उद्योग उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में पूर्ण सहायता प्रदान करता है तथा मशीनें भी उपलब्ध कराता है भारत में कई उत्पादों के लिए कच्चा माल नियंत्रण मात्रा से ही वितरित हो पाता है कई प्रकार के उत्पाद जो कि अन्य इकाइयों के लिए कच कच्चा माल होते हैं वे बहु यातायात में उपलब्ध न होने के कारण उनके वितरण में नियंत्रण करना पड़ता है तो जो नियंत्रण का काम और आवंटन का काम होता है वो एन करता है तो कुछ इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि किस तरीके से एन काम करता है कैसे कैसे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट एन को भेजती हैं और एन जो होता है जो हमारे इंडिया लेवल पर जो जो पी हैं जो गवर्नमेंट हैं उससे अपने जो भी रिक्वायरमेंट का फॉर्म भर के जितना रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर्म भर के प्रोक्योर करती है रॉ मटेरियल को और फिर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अलॉट करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसका एक प्रोसेस होता है पूरा थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द एनएसआईसी हैज बीन सप्लीमेंटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री सर प्लस नॉन फेरस स्क्रैप विद द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड डिपोर्ट आर मेड अवेलेबल टू एन एस आई सी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइनी एंड स्मॉल यूनिट्स और जो स्टेट uh, के अंदर या फिर जो uh, जो, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या डिपोर्ट्स बने होते हैं उनके थ्रू भी एन एस आई सी वहाँ से रॉ मटीरियल लेके और जो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एन एस आई सी डिस्ट्रीब्यूट बेसिक रॉ मटीरियल अमंग ऑल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थ्रू रॉ मटीरियल डिपोर्ट्स वो अभी देखा था रॉ मटीरियल एन एस आई सी रॉ मटीरियल असिस्टेंस स्कीम एम टू हेल्प स्मॉल एंटरप्राइजेस बाई वे ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल बोध इंडिजीनियस एन इम्पोर्टेड स्वदेशी और आयातित दोनों तरीके के रॉ मटीरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का और उनको पेमेंट में असिस्ट करने का काम भी क्या करता है एन एस आई सी करता है और इसके क्या 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 इसके फीचर्स हैं वो देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल अप टू नाइन्टी डेज नब्बे दिन तक किसी भी स्मॉल इंडस्ट्री को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बल्क परचेज ऑफ बेसिक रॉ मटीरियल टू कॉम्पिटिटिव रेट्स जो बाहर से बाहर से आयातित माल मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को जब कोई रॉ मटीरियल चाहिए होता है तो वो थोड़ा चाहिए होता है मतलब कम मात्रा में चाहिए होता है तो वो उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकता तो रॉ मि जो एन होता है वो सबकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उतना रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर लेता है और फिर जो हमारे यहाँ की स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो जब बल्क में परचेज करता है तो उसके रेट्स ठीक लग जाती हैं अगर कोई इंडिविजुअल उसको परचेज करेगा तो उसमें कई तरह के टैक्स लग जाएंगे और भी बहुत सारी आ, उसमें टैक्स लगेंगे तो जो स्मॉल एन एस आई सी है वो फैसिलेट करता है इम्पोर्ट ऑफ़ स्कैर्स रॉ मटीरियल जो बहुत कम पाए जाते हैं उन रॉ मटीरियल्स को इम्पोर्ट करता है और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एन एस आई सी टेक्स केयर ऑफ़ ऑल द प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेशंस एंड इश्यू ऑफ़ लेटर ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स जब बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं तो वो एन करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये सब हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती अलॉटमेंट ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स अभी तो हमने हमारे यहीं की रॉ मटेरियल की बात की थी कि जो हमारे देश में जो अवेलेबल है वो किस तरीके से छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के पास पहुंचे तो अभी हम बात करते हैं आयातित कच्चे माल को कैसे अलॉट किया जाता है उद्योगों के लिए आवश्यक कई कच्चे माल होते हैं जिन जो कि हमारे देश में नहीं होते तो उन्हें अन्य देशों से आयातित करना पड़ता है इम्पोर्ट करना पड़ता है दो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल स्वयं आयात कर सकती है लाइसेंस लेकर गवर्नमेंट से बट जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें कम मात्रा में रॉ मटीरियल चाहिए होता है तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल आयात नहीं कर पाते ना ही कम मात्रा में आयात करना सस्ता पड़ता है अतः उन उद्योगों की सहायता के लिए उनको असिस्ट करने के लिए एन एस आई सी उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तथा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दे देता है तो इसमें कुछ इम्पोर्ट कुछ हैं जिनको हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से पेस्टिसाइड्स हो गए बेसिक केमिकल्स हो गए वूल हो गया लेदर हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए पल्प एंड एसिड्स हो गए और मशीनरी कंपोनेंट्स भी इसी में आते हैं तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं वो सारी फ़िल करनी पड़ती हैं तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन का काम एन करता है एन हैज़ आल्सो बीन इंपोर्टिंग ब्रास Scrap and zinc draws from abroad for distribution to small scale unit Under its raw material assistance program, NSIC also assists in the import of ODL item as per the import export policy. Import is against specific indent received from a small unit and it's preferably on high seasale बेसिस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इम्पोर्ट ऑफ रॉ मेटीरियल्स थ्रू एन एस आई सी तो कारपोरेशन ओपन फॉरन लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ स्मॉल यूनिट्स जो बाहर से इम्पोर्ट करना होता है उसके लिए ये ये एक लेटर फिल करना पड़ता है फॉरन लेटर ऑफ क्रेडिट सिमिलरली दर्पोरेशन ओपन इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ कंसर्न एजेंसी इन द केस ऑफ इंडिजिनियस रॉ मटेरियल जो कोई ज, जैसे मतलब हमारे यहाँ स्वदेशी जो रॉ मटेरियल है उसको लेने के लिए तो आई आई एल सी फिल करना होता है और जो बाहर से लेने के लिए ये वाला एफ एल सी डॉक्यूमेंटेशन फिल करना होता है आइटम दस प्रोक्योर्ड आर कैप्ड इन द गोडाउन ऑफ द यूनिट और देंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एंड द यूनिट टेक डिलेवरी इन स्मॉल लॉर्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट द कैपेसिटी टू मेक द पेमेंट सो एज टू क्लियर द एंटायर स्टॉक विद इन हंड्रेड डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्टोरेज हंड्रेड डेज ही दिए जाते हैं पेमेंट के लिए दर्पोरेशन कंटिन्यूस टू रिप्लेनिश टू स्टॉक बाय द ओपनिंग रिपीट एफ एल सीज एंड आई एल सीज सो एज एन टू एन्श्योर डेट द प्रोडक्शन गोज ऑन स्मूदली कॉपरेशन कंटिन्यूस रहे तो फिर रिक्वायरमेंट होने पर फिर से उन्हीं रॉ मटेरियल्स का पुनर्भरण रिप्लेनिश करना होता है और फिर उसके लिए फिर से एफ एल सी और आई एल सी भरे जाते हैं प्रोडक्शन स्मूदली रहे इसके लिए थैंक यू थैंक यू